how do you actually look at uh, the role of the current establishment in the national capital under this regime because many of your your you have have broached upon the subject of establishment corruption जो 75 साल से मैं बड़ा हूं इस देश के अंदर तो एक देश इस दिशा में जा रहा था जो मैं देखता था और मैं परेशान भी हो जाता था कभी-कभी कि corruption became our habit ये हमारे कल्चर में घुस गई थी यानी लेने वाले से ज्यादा देने वाला तत्पर था कि मैं इसको पैसा देके कैसे काम कराऊं वो अपने बिजनेस के मॉडल में लिख लेता था कि इतना पैसा तो खिलाना ही पड़ेगा जी झूठ तो बोलना ही पड़ेगा कपट तो करना ही पड़ेगा मैं दूसरे के बारे में क्यों सोचूं मैं अपने भारत देश मान के बारे में क्यों सोचूं ये सब चीज़ें इतनी गड़बड़ हो गई थी मैं किसी को बिलीव नहीं कर रहा हूं। हर प्राइम मिनिस्टर ने आके इस कंट्री के बारे में अच्छा ही सोचा है उसने डेवलपमेंट भी की है लेकिन जो ये 2014 के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं जो इन्होंने डेवलपमेंट के साथ ट्रांसफॉर्मेशन सोची जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये जो नए सोच लेकर एक नेता आया जिनका नाम मोदी जी है इन्होंने इस कंट्री को ट्रांसफॉर्म किया है आठ साल में रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन रिज़ल्ट आने की नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट श्योरिटी है कि ये देश बहुत ऊंचा जाएगा जब मैं ऊंचा जाने की बात करता हूँ कि पूरे विश्व में सब देश भारत की इज्जत करना शुरू करेंगे भारतीय नागरिक की इज्जत करना शुरू करेंगे जब हम किसी एयरपोर्ट पे खड़े होंगे तो बोलेंगे ही इज इंडियन आप आइए हम पहले नहीं जैसे हम मैं जाता था तो इंडियन आए थे वन साहब को लाइट में साइड में खड़ा करो हर नागरिक भा, हर भारतीय की इज्जत पूरे जब सब देशों में होगी पूरे विश्व में होगी हमारी संस्कृति की हमारी बातों की हमारे विचारों की ये एक बहुत बड़ा मिशन है आप अपने ऑफिस में घर में एक बार डिसीजन लीजिए एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कि ये सोफे चेंज कर दो डाइनिंग टेबल इधर रख दो पांच ओपिनियन आएंगे कि नहीं आएंगे बिल्कुल आप घर में परिवर्तन करेंगे तो भी आपके ऑब्जेक्शन आएंगे प्रोटेस्ट होंगे कि नहीं नहीं ये टेबल अच्छा नहीं है ये गलत किया आपने ये गलत सोचा वो तो फेस करना ही पड़ेगा लेकिन जो डिटर्मिनेशन इनकी है जो सोच और नीयत इनकी है इस वो सही सोच है मैं समझता हूँ और मोदी जी अपने आप में एक कर्मठ एक क्या उसको बोलते हैं अनुशासन उनमें स्वयं में बहुत है वो स्वयं में जो उनका एक दृढ़ता है ना हारूँ तो हार जाऊंगा चला जाऊंगा तो मारा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा चलेगा लेकिन देश तो मैं कुछ दे के जाऊंगा आप देखिए हमारे निस्लि वोट महीने दो हजार के बाद हमारा एनुअल डे आता है स्वच्छ स्वच्छ भारत पर दूसरा आता है इक्कीस जून को हमारा योगा डेज आता है जितने जितने उनके अभियान चलाए हैं स्टूडेंट्स ने ख़ुद इंस्पायर होकर वो डे बनाए हैं आप बोलिए जितने सोशल काजेज़ की वीडियोस हमारे बच्चों ने बनाई हैं आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे नहीं तो स्टूडेंट्स को क्या होता था कमर्शियल बना लो वीडियो म्यूज़िक बना लो लेकिन बच्चे आते हैं मेरे पास म्यूजिक स्कूल के आते हैं एक्टिंग स्कूल के आते हैं कि हमने ये सोशल कॉज पे बनाया सब चाहे एनवायरमेंट पे हो एनवायरमेंटल डे डे हैं एवरी हैज बीन टेकन सीरियसली टुडे इज नॉट ओनली कार्ड ये किसकी देने हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि जो घर का बड़ा जो सोचता है उसी तरह से खानदान सोचता है बच्चे भी सोचते हैं जहां से सोच कहाँ से शुरू होती है वो जो सोच है पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ अच्छे लोग उधर भी हैं अच्छे लोग इधर भी हैं कमज़ोर लोग उधर भी हैं कमजोर लोग इधर भी हैं लेकिन नेता बिल्कुल वो दृढ़ है बिल्कुल और ईश्वर को लंबी आयु दे हमारी प्रार्थना है हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी की उन्होंने राजेश खन्ना साहब इन आराधना फ्रॉम देयर To becoming a director, writer, and producer, but also in between, making small appearances in your own films—is that a lucky charm, or you wanted to assert to your actors, to your star cast, that look, here is a director who's as powerful as you? It's not me. I would never do that to my actors. That I'm a better actor than you, no way. Because you cannot take best of the performance from that person if you are dominating him. You have to inspire actors as a children. You have to play as a mother to them. and mother never says that am better than you. Mother says that मदर सेज दॉट गुड फॉर यू बैड फॉर यू दिस इज़ गु फॉर यू हमारे इतना ही बोल सकते हैं जो एक शॉर्ट की बात है वो तो भी एक मजाक में बात शुरू हुई फिर बाद में ऑडियंस से फलटेशन शुरू हो गया फिर उसके हैबिट बन गई लोगों को भी मुझे भी वो एक एक्सीडेंटल गमिट था मैं ये कहूँगा लेकिन जहाँ तक एक्ट्रस की बात होती कि आप किसी को डोमिनेट तभी कर सकते हैं जब अपना काम अच्छा करते हैं दुनिया में कोई और तरीका नहीं है डोमिनेट करने का ना पैसा है ना पावर है इस ओनली योर ओन हार्ड वर्क जिससे कि वो मार खा जाता है जिससे कि वो सोचता है कि ये मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं जब आपके क्लर्क को भी मालूम होगा कंपनी को कि इन्होंने मेरे से पहले अकाउंट का बैलेंस शीट बना के मेरे हाथ में दे दिए जब बॉस का या टीम लीडर का जितना हार्डवर्किंग वो हो होगा उसी तरह आपसे टीम इंस्पायर होगी दुनिया में आप किसी को नहीं जीत सकते जब उनको जब तक आप उनको ये ना मालूम हो आप अपने काम में बहुत सिंसियर हैं ऑनेस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त हार्डवर्क करते हैं मेरा यही रीज़न था कि आज तक मेरे एक्टर्स जो हैं स्टार्स जो हैं हमेशा मेरी इज्जत करते रहे आज भी मुझे प्यार बहुत करते और पहले भी बहुत करते थे इसीलिए प्यार करते थे आप सोचिए कि दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब के साथ फिल्म बनाई सौदागर वो एक ही बात पर मैंने उनको जीता जब उन दोनों ने आपस में देखा कि लड़का बहुत काम कर रहा है यार ये तो सुबह पाँच बजे उठता है आप सीन रिवाइज करते हैं और रात को बारह एक बजे सोता है ये तो सोता ही नहीं है तो हमेशा सीन की चर्चा करता रहता है तो उन्होंने दोनों ने कहा कि भैया हमारा ईगो गया भाड़ में भैया पिक्चर अच्छी बनाते हैं क्योंकि एक अच्छा डायरेक्टर अच्छा राइटर मिले हमको अच्छा स्क्रिप्ट मिला लेटेस वर्क बेटर जबकि वो हीरो से उठ उट, के तो काफी बूढ़े हो चुके थे उससे हाँ, बूढ़े और फिर सुना मैंने उन दिनों में उनके कुछ बनती भी नहीं थी शुरू में लोगों ने डराया लो मुझे लेकिन उन्होंने बहुत ही दोस्तानी तरीके से काम किया यू लव रिपीटिंग योर स्टारकास्ट वेदर इट इज़ अमरीश पुरी साहब मिस्टर जैकी श्रॉफ मिस्टर अनिल कपूर इन तीनों को मैंने बड़ी आपकी फिल्मों में देखा अच्छा काम करने के लिए सबसे पहली चीज क्या ज़रूरत है प्रेम की अच्छा परिवार होने के लिए क्या जरूरत है प्रेम की अच्छी दुकान चलाने के लिए क्या ज़रूरत है कि उस दुकान पर जो लोग बैठे हुए हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनमें प्रेम हो उसमें भी एक परिवार चाहिए आपके प्रोफेशन में भी एक परिवार होना चाहिए तो जब आपको परिवार में आप पले हैं परिवार में बड़े हुए हैं और परिवार जो जब तक अपने प्रोफेशन को अपनी टीम को ही परिवार की तरह नहीं मानेंगे तो तो बिखरे हुए लोग हैं जो काम कर रहे हैं जी जैसे आजकल कॉरपोरेट में हो रहा है, बिखरे बिखरे लोग आते हैं कभी चले जाते हैं कभी छोड़ देते हैं हमारे एटीज़ नाइन्टीज़ के अंदर उस वक्त कल्चर इतना था कि एक लॉयल्टी लेवल एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रोजेक्ट को अपना समझना फिल्म को अपने समझना और एक अपनत्व था मैं तो टेक्नीशियंस भी सात 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 आठ साल के बाद चेंज करता था क्योंकि तो वो ग्रो कर गए हैं उनको और जगह जाना है तो आर्टिस्ट लोगों के साथ भी ये होता है कि जब तक आपका प्रेम नहीं बढ़ता है उनके साथ दोस्ताना होना चाहिए उनके पर्सनल जो प्रॉब्लम है उसमें भी मैं भाग लेता था ऐसा नहीं कि तुमने शूटिंग की तुम जाओ जैकी शॉप ने तो मुझे ये तक कहा कि आपने उनका कन्यादान किया इतना प्रेम था आपके उनके बीच में कि वो आपको एक फादर फिगर देखते थे तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में जिक्र किया कि जब मेरी मैरिज हुई तो आप उनका कन्यादान करने गए जी बिल्कुल सही बात है क्योंकि जैकी वॉज लाइक माई सन जी और वो मेरी बेटी थी तो मेरा फर्ज था क्योंकि उस वक्त वो स्ट्रगल तो कर रहे थे तो उनके लिए था कि कुछ तो ऐसा बंदा आना चाहिए इसी जो उनके सपोर्ट में हो और मुझे अच्छा लगा आज भी जो है उनकी जो बेटी है उनकी जो बीवी है जैकी की आयशा वो भी आज भी राखी बांधती है मुझे इसी शत्रुघ्न सिर्फ बीवी है आज भी मुझे राखी बांधती है अनिल है अनिल नहीं। नहीं। परिवार की तरह है संजय दत्त मेरे परिवार की तरह है दिलीप साहब तो बिल्कुल ही मेरे क्लोज थे तो जितने भी एक्ट्रेस के साथ मैंने काम किया है माधुरी रही या, या। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया मुझे कि वो जब आपके घर जाते तो मुक्ता भाभी वो कहते हैं कि मुक्ता भाभी खाना बनाया करती थी बिल्कुल हाँ, ये जब परिवार की फीलिंग नहीं लेके आते अपनी टीम में तो काम नहीं अच्छा हो सकता बिल्कुल सी इट्स नॉट ए टेक्निकल बिकॉज हमारा जो खास कर जो जो फिल्मों का काम है ये कला से जुड़ा है जी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये कला से जुड़े हैं एवरी टेक्नीशियन हैज बी एन आर्टिस्ट कैमरामैन right. मैन भी हो साउंड रिकॉर्डिस्ट हो उसका हमारी फिल्म से प्यार होना बहुत जरूरी है जी उस प्यार के लिए मेरे साथ उनका प्यार भी होना बहुत आवश्यक है करेक्ट हमारे बिजनेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी वर्क विद लव सेक्रीफाइस एंड फेथ एंड ट्रस्ट एब्सोल्युटली माय फादर वाज वर्किंग इन इन दैट इरा एंड ही यूज टू टेल मी एट नाइट दैट की सौदागर ऐसी मूवी है जिसके डायलॉग्स जो है उसने तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन याद करा दिए कि फ़िल्मों के डायलॉग्स कैसे याद किए जाते हैं मुझे लगता है कि ये ऐसे स्टॉप डायलॉग्स हैं जिनको आ, जैसे कि मैंने कहा जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी याद रखती है और उन मूवीज़ को इसीलिए रिकॉल किया जाता है कि उसके डायलॉग्स इस तरीके से लिखे गए क्या आपको इंस्पायर किया क्या वो थाट प्रोसेस था कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ सच्चा झूठा लेकिन सच्ची बात यह है कि जब मैं जब आपका ना जब स्वभाव बनता है आपका मैं हमेशा नाट्य शास्त्र का ना बहुत बड़ा स्टूडेंट रहा हूँ मैंने जैसे आपसे कहा तो बचपन से तो नाटक कैसे लिखे जाते हैं सबसे बड़े नाटक जो हमारे अपनी संस्कृति में है रामायण एंड महाभारत उनके डायलॉग देखिए आप आप संस्कृत में पढ़िए अब उनका जो विजडम कोट है उनका जो तीखापन है जो उनकी हर एक एक डायलॉग जो है वो उसमें लिखा हुआ है चाहे वो आप गीता पढ़ लें या आप रामायण करें जब उनके कॉन्फ्लिक्ट देखें तो जब आप नाट्य शास्त्र से जुड़े होते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि एक समय पर एक समय पर एक सिचुएशन में दो दोस्त कैसे बात करते हैं वो दुश्मन बनते हैं तो कैसे बात करते हैं फिर दुश्मन से दोस्त बनते हैं तो कैसे बात करते हैं इन रिश्तों का मिश्रण इंसान के कैसे बनता है तो दिस इज बदलते रिश्ते कैसे होते हैं मोहब्बत नफरत में नफ़रत मोहब्बत में कैसे बदलती है तो ये टेक्निक है फिर एक जैसे पोइट्री है एक स्वभाव हो जाता है तो आ जाते हैं आपके विवेक की बातें आ जाती हैं ख्याल आते जाते हैं ख्याल आ जाते हैं आपको बट मेक्स मी क्यूरियस इज दैट लेट्स से इफ़ मूव फ्रॉम सौदागर टू ताल एज वेल well, उसमें एक एक डायलॉग में आपका बताऊँगा जिसमें मुझे आपकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा नजर आती है अमीर बनने के लिए ज़रूरी है लालच है। और दूसरा ईमानदारी से ज़्यादा जरूरी है दुकानदारी यहाँ पे मुझे वो शो बिज़नेस वाला भी नज़र आता है जैसे कि ये मुंबई है यहाँ हर चीज़ दिखावा है जिसे हम शोमैनशिप कहते हैं सजावट है जिसे हम पब्लिसिटी कहते हैं और बनावट है जिसे मार्केटिंग कहते हैं मुझे याद है ये डायलॉग मैंने ही लिखे थे और ये डायलॉग भी मैंने सेट पे लिखे थे जब मैं सेट पे गया था और अनिल का जो सीन लिखना था मुझे क्योंकि वो अनिल कपूर जो है जो एक का रोल करते हैं वो एक मॉडर्न जिसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा दिल मांगे मोर जब मैंने बैनर देखा दिल मांगे मोर तो मुझे उसका दुख हुआ क्यों दिल में सांत्वना होनी चाहिए संतुष्टि होनी चाहिए मांगे मोर का मतलब कि तुम निन्यानवे के फेर में आगे और तुम्हारी जिंदगी अभी कोलू के बहल की तरह चलती जाएगी सौ करोड़ से हज़ार करोड़ से एक लाख करोड़ तक पहुंच जाओगे तुम दिल मांगे मोर दिल मेरा संतुष्ट है कितना फर्क है तो आज के जो जनरेशन है वो इस तरह से ही सोचती हैं मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम शोमैनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब मुझे लोग शोमैन कहते हैं तो मैं खुद भी हंसता हूँ मैंने बोला भैया हमारे यहाँ तो बचपन में कहा था शोमैन को शो ऑफ कहते थे नहीं नहीं सुभाष जी इसलिए कि आप फिल्में बड़े कैनवास की होती हैं कैरेक्टर लार्जर दैन लाइफ होते हैं इसलिए हम आपको शोमैन कहते हैं लेकिन मैं इस लोग क्योंकि हमारे हम इन लोगों को पहचानते हैं कि आज के ज़माने में कैसे बात करते हैं उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया अगर आप ये विक्रांत का करेक्टर देखो तो उसमें दस जो दस सिद्धांत थे उसकी माँ के लिखे हुए थे और दस सिद्धांत उसके मामा के थे ये उसके उस मामा के थे जो क्रुक था जो चालाक था चतुर था लोमड़ी था उसने ये कहा था कि जब तक क्यों कर्ब करूं अगर फल की इच्छा नहीं मिलती फल फल की इच्छा क्यों ना करूं तो उसने गीता के सारे सिद्धांतों को काउंटर किया वो किसने लिखे थे, दस सिद्धांत वो भी आपने मैंने ही लिखे।, लिखे और फिर एंड में आपने देखा होगा कि वही विक्रांत उसी पट्टी को पलटता है और अपनी माँ के सिद्धांतों में वापस आते हैं उसी को देख के उसने उल्टा लिखा तो ये वो क्योंकि वो बहुत फ्रैंकली बोलता था कि यस आई एम करप्ट जी हाँ मैं हूँ खलनायक वो बोलता है हाँ ठीक है शोमैनशिप ऐसी होती है भैया तो हम तो आप धंधा करते हैं मिक्स कर लेते हैं आपका गाना ले इसी को और हम बेच देते हैं और शोमैन धंधा भी ऐसा ही है ये बनावट है ऐसा उसका सजावट है तो वो लड़की इम्प्रेस भी होती है उससे कि सच भी बोल रहा है लेकिन अपनी करप्शन के बारे में सच बोल रहा है तो रॉन्ग प्रैक्टिस ना जी जो भी उसने कहा रॉन्ग प्रैक्टिस से कहा ना बिल्कुल तो आज के कैरेक्टर भी ऐसे हो गए कि अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं अपनी पावर और पैसे के लिए उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं राइट दे जस्टिफाई देयर ओन रॉन्ग अ ब्यूटीफुल खलनायक एज वेल इन दैट इरा पुट अ स्पॉटलाइट ऑन ऑफ Dawood, a criminal in the film fraternity, film industry, is actually Bollywood today still scared of such men, or that the new government has actually established and asserted itself that look, our frontiers are now secure, whether it is after Pulwama, Udi, uh, Pathankot, or Gurdaspur terror attacks, India will reply in the same tone to the terrorists, India will not tolerate criminals, India is safe today, and India is more assertive. <laughs> I, uh, commercial cinema so I have never tried to make a film to make a statement. I have always tried to give a message, an inherent message, through my entertainment. Ramayan, Mahabharat के अंदर कितने morals हैं कितने सिद्धांत हैं लेकिन वो पूरा entertainment से है लड़ाइयाँ होती हैं ये होते हैं जोक होते हैं सब हो है, सब है उसमें ना। उसी तरह से commercial cinema भी हमारा है हम एक गंभीर चीज को मनोरंजन तरीके से बताते हैं और आर्ट सिनेमा जो है एक गंभीर चीज़ को गंभीरता से बताते हैं और उसको गंभीर लोग देखते हैं तो मैं नहीं मैं इस मामले में ये कहूँगा कि सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है लेकिन सिनेमा बनाने वाले भी समाज के प्रतिबिंब से लेते हैं हम लोग भी समाज को ऑब्जर्व करते हैं उसमें से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उसी चीज़ को लेकर हम अपना नाटक लिखते हैं और अपनी फिल्म बनाते हैं तो इट इज़ ए वेरी को, को रिलेटेड थिंग बिटवीन आस

मैं उनको कैरेक्टर समझता आप डरे कभी इन लोगों से, से मैं मैं कब डरूँ तभी जब मैंने कुछ किया हो ये तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं एक जंगल के अंदर अलग अलग पेड़ होते हैं व्यक्ति भी अलग हैं तो नेगेटिव भी हैं नायक भी हैं खलनायक भी हैं सया नायक भी हैं विदूषक भी हैं तो मैं इन लोगों को करेक्टर देखता हूँ और एज ए राइटर होने के नाते हमारा जो दृष्टिकोण होता है ना वो एक पक्षी की आँख बन जाता है पक्षी की आँख ऊपर से जब देखती है तो एक सारा शहर छोटा सा नजर आता है तो हम हर एक को एक्सेप्ट करते हैं हम किसी को जज नहीं करते हम उसको क्योंकि आप हमारे कहानी के पात्र हैं तो हमारे लिए जो है अपना सोचने का तरीका एक आम जीवन से अलग हो जाता है कमिंग बैक टू दैट मूवी ऑल्सो स्पॉटलाइट ऑन अंग मैन करियर हुज करियर वॉज गेटिंग हर्ट बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन इन द इन ब्लास्ट इज वेल वेयर वेपन वॉज डिस्कवर्ड फॉर दैट ऑलमोस्ट फिनिश योर मूवी क्वाइंसाइटेड द मूवीज रिलीज क्वेंसाइटेड विद दैट तो आपको कहीं एक एक थोड़ा सा गम होता है कि वो एस्ट्रे हो गए वो वो एक्टर जब ये मूवी आ रही थी आते आते या उस मूवी से वो रिफ्लेक्शन भी वापस आ गई कि कितना एक इन्फ्लुएंस होता है एक एक्टर एक पे जब इन लोगों का इन्वॉलमेंट हो तो जब मैंने खलनाई लिखी थी तब तो हमें पता भी नहीं था कि आगे जब फिल्म रिलीज होगी और ऐसा होगा हमने एक मनोरंजन फिल्म लिखी कि एक रावण जब सीता को उठाता है और सीता उसको बोलती है कि तेरे अंदर राम है और उसको कैसे राम बना देती है अगर आप खलनायक की कहानी देखें बिल्कुल वो सीधा को किडनेप कर लेते हैं करेक्ट और उसके प्यार में पड़ जाते हैं फिर वो बोलते है, देख तू प्यार में पड़ गया तू तो अच्छा आदमी फिर उसको बे होती है कि मैं अच्छा आदमी भी हूँ बोले यहाँ हर हर इंसान के अंदर एक राम छुपा होता है वो छुपा हुए हैं तुम निकाल लगते हो तो वॉज अ ब्यूटीफुल थीम अगर आप देखें तो और कैरेक्टर मेन था खलनायक अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब फिल्म कम्प्लीट हुई ये हादसा mm. हो गया संजय जी का और मुझे पता था कि संजय निर्दोष है क्योंकि वो ऐसा लड़का है नहीं उसके स्वभाव में ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बचपना था उसके अंदर ये बात सही है कि किसी के साथ भी रहना तो आप जिसके साथ मतलब गलत लोगों को से भी दोस्ती कर लेना आप गलत के साथ दोस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उनकी आग आपके ऊपर पड़ेगी पड़ेगी करेक्ट अदरवाइज आई न्यू अबाउट इट बट ऑफकोर्स आई हैड गॉन थ्रू बिग क्राइसिस ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द फिल्म हमारी फिल्म रोक दी गई किसी लॉयर ने ये भी कहा कि मेरा चार साल का बच्चा चोली के पीछे गाने सुनता है तो वो खराब होगा भारत का कल्चर खराब हो रहा है संस्कृति खराब हो गई है तो काफ़ी रुकवाने की कोशिश की उन लोगों ने ये खलनायक है ये टेररिस्ट है तो सडनली सब दृश्य जो है बदल गया एकदम पर ईश्वर की दया से जब लोगों को पिक्चर पसंद आई और सब कुछ देखा कि ऐसा कुछ नहीं तो फिल्म बहुत अच्छी चली करेक्ट लेकिन ये बात सही है कि हमारा हीरो जो है उसको काफ़ी उस बात का मुआवजा देना पड़ा भुगतना पड़ा यू आर वन ऑफ़ द रेयर फिल्म डायरेक्टर्स ऑफ द इरा हु आल्सो इस्टैब्लिश्ड द कैरेक्टर्स ऑफ यंग एक्ट्रेसेस लाइक माधुरी दीक्षित मीनाक्षी शेषाद्री और मनीषा को आपने उनको वो मुकाम हासिल करा के दे दिया जहाँ से वो उठते चले गए और फिल्म uh, फिटरने के लिए तो आइकोन्स बने ही बने बट इंडिया के लिए भी एक आइकॉन्स बन गए चाहे वो मनीषा हो मीनाक्षी हो या माधुरी चाहे वो जेकी श्राफ हों माधुरी हो मनीषा हो, हो महिमा हो या ऐशराय हो या और भी आर्टिस्ट बहुत से आर्टिस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किए या री इंट्रोड्यूस किए उन लोगों को ग्रूम किया मैंने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमको किसी ने मदद की थी तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप भी किसी की मदद कीजिए मैंने भी मेरा भी तो हाथ किसी ने पकड़ा किसी ने मेरी उंगली पड़ी पकड़ी इंडस्ट्री में कि चलो तुम राइटर बनो चलो तुम डायरेक्टर करो डायरेक्शन बनो तुम की बनाओ तो लोगों ने भी बहुत सहायता की सीनियर लोगों ने तो जब मैं बना तो मैं जब बच्चे लोग आते थे तो मैं उनकी स्ट्रगल देख के मैं अपना जमाना याद करता हूँ कि मैं भी तो ऐसे स्ट्रगल करता था ऐसे ही प्रोड्यूसर के पास जाता था तो ये रिफ्लेक्शन मेरे दिल में बहुत गहरा था तो और खासकर जब मैं स्टार्स को देखता हूँ या जो सक्सेसफुलों को देखता हूँ उनमें अपने आप में एक स्वाभिमान कह लो या अभिमान कह लो जाग जाता है और अपनी दिशा में चले जाते हैं तो मेरा ऐसे ही था कि मैं भी किसी की उंगली पकड़ूंगा तो मेरा सबसे अच्छा जो आ, कर्म होगा वो यही होगा कि मैं किसी बेसहारा को या किसी नए टैलेंट को मैं गुरुम करूँ देखिए ये तो सब ये तो सब इतफाक होते हैं कोई hmm. कहाँ मिलता है कोई कहाँ मिलता है लेकिन जब आप देखते हैं कि ये हो सकता है इसको मैं गुरुम कर सकता हूँ और इसमें आस्था है तो गुरू करना ही चाहिए चाहे माधुरी थी जब मिली तो उनकी पहली पिक्चर एक बहुत फ्लॉप हो चुकी थी तो छोटे छोटे रोल कर रही थी भाई बहन की जब मैंने देखा तो उनका मैंने लगा कि ये चेहरा तो बहुत बढ़िया स्क्रीन में एक पायस चेहरा है ऐसी और बहुत सीधी सिंपल लड़की थी वो तो मैंने जाना कि वो डांस भी करती हैं और कथक भी तो फिर मैंने उनको कहा कि आप आइए हमारे कंपनी में आइए ज्वाइन कीजिए हम आपको गुरु करेंगे ग्रूम किया फिर जैकी आया फिर मीनाक्षी आया सब लोगों की कहानी सेम था मनीषा का कैसे मनीषा भी जिसको कहता है देखिए मुझे उसका न्यू कमर की जरूरत थी क्योंकि दिलीप साहब और राजकुमार सा, दिलीप कुमार और राजकुमार थे तो दो नए लड़के बच्चे चाहिए थे एक आ, जो कि इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते है ना और उनमें इनोसेंस देंस की बहुत बड़ी आभा होनी चाहिए ये मुझे चाहिए था उस वक्त कई स्टार्स मेरे पास आए कि हम ये रोल करते हैं यंगस्टर का मैंने बोला नहीं आप स्टार्स हैं अब आप लो, लोग लोग आपको जान गए हैं मुझे वो लोग चाहिए जो कि बिल्कुल एक्टिंग नहीं कर सकते और जब एक्टिंग करते हैं तो लगता है एक्टिंग नहीं कर रहे रही तो भोले वाले लोग हैं इनमें तो कोई ताकत ही नहीं बल नहीं है कैसे जीतेंगे और वो जीत जाते हैं हुँ. तो इसीलिए मैंने विवेक मश्राम को और मनीषा मनीषाखला को सिलेक्ट किया आप उनकी इनोसेंस आज भी कायम है अगर आप उनका चेहरा देखें हाउ डू यू रिलेट

पर वो जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि एक्टर बहुत अच्छा है उनके कला के बारे में मुझे बहुत प्रभावित हुआ मैं और फिर वो एन से आए थे ट्रेंड थे वो एक्टर तो जब वो मेरे को मिलने आए तो जब मैंने उनकी फिगर को देखा कि एक में अपने सरलता है इसी बातचीत करने में बहुत सरल बंदा है वो स्वाभाविक बात करता है तो मैंने वाला अगर इस तरह का डॉक्टर डैंग हो एक अमरीश पुरी की तरह होता से लगाई रावण की तरह होता डॉक्टर डैंग तो तो आ चुके थे तो मुझे नए किस्म का विलन नजर आया उनके अंदर कि जो दिखने में अलग है और है बहुत बड़ा टेररिस्ट बहुत बड़ा विनाशकारी हाँ, बताइए पढ़ा लिखा भी लगता है hmm. लुक लगे इंटेलेक्ल बॉस ऑफ द टेररिस्ट कैंप और उन्होंने कितना अच्छा किया फिर उसके बाद मैंने राम लखन में उनको टोटल डिफरेंट कैरेक्टर दिया देवदार शास्त्री का जो टोटल कॉमेडियन है फिर कर्मा में, आ, में मैंने उनको सूत्रधार का रोल दिया जो पूरा एक नाट्य शास्त्र के हिसाब से एक सूत्रधार है जो एक 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 कहानी सुनाता है एक कथा सुनाता है दो दोस्तों की तो इज अ वंडरफुल पर्सन ऑल्सो एंड बहुत अच्छे एक्टर हैं बिल्कुल तो इसीलिए हर बार जब मेरी बात होती है मैं बोला अभी वो कौन सा कैरेक्टर लिखूँ तीनों शेड तो मैंने तो आप कर लिया तुम्हारे साथ बिल्कुल अभी तो चौथा शेड मिलना चाहिए लेकिन वो सरप्राइज देते जाते हैं किरण जी को अनुपम जी को तो मैं कर्मा से जानता हूँ जब पति पत्नी थे हमारे तो फैमिली परिवार के मित्र भी हैं तो किरण जी को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उनके स्वभाव को भी बल्कि जब आस्ता आस्ता उन्होंने सोशल जेस से अपना रिलेट करना शुरू किया right. तो होता तो है ना परिवर्तन भी तो होता है right. उनका यह करेंगी फिर वो कर कर रहेंगी कर या तो नहीं करेंगी Correct. मेरे से नहीं होता है, right. नहीं जब होता है तो फिर वो पूरा करेंगी right. और वो कर रही like क्यों नहीं मुझे तो कश्मीर फाइल बहुत अच्छी लगी अपार्ट फ्रॉम पिक्चर ने कितना बज बिजनेस किया बिजनेस का मतलब वो नहीं होता पिक्चर मतलब इतने लोगों ने फिल्म देखी करोड़ों लोगों ने फिल्म देखी तो ही तो बिजनेस हुआ right. कश्मीर फाइल इज वन ऑफ द वेल मेड फिल्म वेल स्क्रिप्टेड वेल डायरेक्टेड वेल एक्टेड फिल्म अगर आप फिल्म को देखें अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो उसने एक घटना ली भी काश्मीरी पंडित जी को कैसे निकाला गया ये उनका एक वर्जन था है ना निकाला उन्होंने लेकिन सबसे अच्छी बात जो उसके अंदर कश्मीर फाइल में जो मुझे अच्छी लगी वो उस लड़के की बारह पंद्रह मिनट की स्पीच जिसमें अपने यूनिवर्सिटी में आके वो बताते हैं कि कश्मीर में शंकराचार्य थे कश्मीर बिलोंग्स टू द अवर सेंट्स ऑफ इंडिया और कश्मीर हमारा है कश्मीर भारत का है जो आज तक पचहत्तर साल तक ये समझा नहीं पाए थे कि भाई है किसका यार उनका है या किसका है तो उस विद्यार्थी ने समझाया उस सीन से लोग प्रभावित हुए अच्छे तरीके से बताया अभी देखने। जी अब उसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें पॉलिटिक्स से देखें तो दस तरीके से नजर कोई भी चीज़ आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो नजर आएगी आएगी आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग अ फोकस टू योर सेलेक्शन ऑफ म्यूजिक कम्पोजर्स वेदर इट वॉज फॉर ताल यादें और कर्मा एक फोकस जो आपका रहता था विच वॉज वेरी शार्प फ ऑन पेट्रियाटिक स्पिरिट एज वेल हाउ इम्पॉर्टेंट इट वॉज टू

मतलब तो इतने बड़े फ़ैन थे आप सोचिए तो फिर जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो कहानियाँ सुनाते थे देश की और वो जो पेट्रिटिस उनके अंदर था वो आता आता शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ और मैंने आपको बताया कि मेरी मौसी सितार बजाती थी तो वहाँ से संगीत का मेरे को ये जो आपकी जो पहली अवस्था होती है ना चार पाँच साल तक की उससे आपके जर्ज जो हैं वो एनर्जी जो है आनी शुरू हो जाती है और उसका फिर रिजल्ट है कि आज जो आप बात करें तो पेट्रोटिज्म जो है वो फिर दिल्ली में भी हुआ था पेट्रोटिज्म एक ऐसी भावना है जो खाली दुश्मन को दिखाने के लिए नहीं या बैटल लड़ने के लिए नहीं पेट्रोटिज्म होता है कि मेरे देश के हर नागरिक की तारीफ पूरे विश्व में हो हम कितने साफ रहते हैं हम किसे बात करते हैं हमारी सभ्यता क्या है हमारा आचरण क्या है हमारे विचार क्या है लोग हमें जैसे भारत में विवेक बोलते थे विवेकी लोग थे संत थे उस तरह से माने नॉट कि ये कंट्री जो है इसमें बीमारियां हैं करप्शन हैं गलत लोग हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है नफरत है नहीं ये देश की अगर आप ओरिजिनल मूल भूत से आप संस्कृति देखें तो एक बहुत खूबसूरत देश रहा है है ना बिल्कुल तो वो क्यों नहीं है ये बात चिंता मेरे अंदर भी जैसे हर बच्चे में आती है स्टूडेंट में आती है हमारे भी थी तो मुझे यह था कि मैं अपने काम में अपने काम से ठीक करूँ देश प्रेम है कि मेरा काम क्या मेरा काम है एक सड़क को साफ करना तो मैं उस सड़क कितनी अच्छी तरह साफ करता हूँ ये ही देश प्रेम है करेक्ट देश प्रेम का मतलब ये नहीं कि भाई मैं जाके वॉर करूँ तो लड़ूँ तो उनका काम है वो कर रहे हैं बेचारे बहुत अच्छा कर रहे हैं राइट right. तो पेट्रोटिज्म की फीलिंग होती है कंट्री फॉर योर पेट्रोटिंग की फीलिंग होती है लव फॉर योर कंट्री लाइक लव फॉर योर फैमिली लव फॉर योर सोसाइटी लव फॉर योर कंपनी करेक्ट नेशन कम्स फर्स्ट वो फिर आस्ता आस्ता ग्रोह होती चले जाती है राइट right. स्वभाव बनते हैं uh, उसमें पॉलिटिक्स so, का कुछ नहीं है कि ये गवर्नमेंट आएगी ये वो गवर्नमेंट आएगी क्योंकि सारी गवर्नमेंट जो आती हैं वो देश के लिए तो काम करती है ऐसा तो नहीं Absolutely. कुछ सही करते हैं कुछ गलत करती हैं लेकिन देश तो देश ही होता है यू ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ यूर करियर अवॉइडेड न्यूडिटी और मुझे मालूम है कि कोई भी फिल्म बनाए तो हमारी सिस्टर भतीजियाँ बहनें माएँ भी तो फिल्म देखेंगी तो वही मुझे कल उनको भी तो फेस करना पड़ेगा मैं बाजार में कब तक बिकता रहूँगा अगर मैं अपना काम करके सभ्य सभ्य दे फिल्में दिखता हूँ जिसमें ह्यूमन रिस्पेक्ट है वुमेन रिस्पेक्ट है तो उसमें अश्लीलता की ज़रूरत किसको पड़ रही है मैं कमज़ोर हूँ तो पड़ेगी अगर आप चोली के पीछे की बात भी करें तो एक फोक सॉन्ग है जो बिहार के फोक सॉन्ग थे कि आंटी और एक होता है ना उन्होंने एक आइटम बनानी है कि एक मौसी पूछती है तू मैंने तेरा क्या है तो असल जवाब देती है लोगों ने बहुत शोर मचाया जब जब पिक्चराइजेशन देखा तो उनमें उनको लगा कि ये तो एक क्लासिक पीस है आज तक वो क्लासिक पीस माना जाता है और आपका और मैं इस मामले में इस मामले के खिलाफ भी हूँ तो या अश्लीलता है मैंने कहीं भी प्रयत्न और जहाँ आया भी।, भी उसको मैंने अवॉइड किया बिल्कुल सो विद विद दिस लवली इंटरव्यू वी विल रैप सेशन वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉनिक फिल्म मेकर्स ऑफ दिस कंट्री हु कंट्रीन्यूज टू इंस्पायर ईच वन ऑफ अस Uh, Mr. K., thank you so much for giving us this valuable time.